तस्वीरों में देखिए कि किस कदर महंगी बाइक है और बाइक पर यह क्या बेच रहे हैं, यह बड़ा ही देखने में दिलचस्प है। देखिए, बेरोजगारी के दौर में युवा रोजगार के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं, लगातार यह वायरल है। और यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह बाइक किसी और की नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि किसी और की बाइक के सीट पर यह नाश्ता या नाश्ते के लिए जो स्नैक्स बोला जाए कि चना है और मूंग की दाल है और ये आपको चुकंदर उसे काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं। आप इधर थोड़ा सा कैमरा दिखा दीजिए। यहाँ पे हरी मिर्च कटी पड़ी है, नींबू है, टमाटर है, प्याज है और इसमें ये देखिए अभी मिलाया जाएगा, मिक्सिंग किया जाएगा। तो यह अमूमन तस्वीर है, लाखों की बाइक है, उस पर एक आप नाश्ता का सामान बेच रहे हैं, 5-10 रुपये में बेचते होंगे, 20 रुपये मैक्सिमम। क्यों आखिर यह लाखों की बाइक पर यह सामान आप क्यों बेच रहे हैं? सर इसलिए बेच रहे हैं ताकि लोग का सेहत के लिए भी सर वो ध्यान में नज़र रखते हुए पर भी बेच रहे हैं। उसके बाद सर वो मजदूरी से तो अच्छा है सर कि अपना ये टाइम है कि आते हैं 9 बजे आते हैं, फिर 1 बजे चले जाते हैं लंच में, फिर लंच से आते हैं, उसके बाद फिर से सर बेचते हैं। यही काम क्यों करना पड़ा सर? ये काम हेल्थ के लिए, इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए सर ये काम कर रहे हैं। तो कुछ नया सोचे इसलिए? रोज़गार तो काफ़ी सारे हैं, नौकरी भी सरकार दे रही है सर। दे रही है तो पर सर उतना पढ़े लिखे नहीं, उतना माँ बाप नहीं पढ़ा सका इसीलिए सर। मजदूरी कर रहे थे पहले, क्या काम करते थे? ये लेबर मिस्त्री का काम कर रहे थे पहले, लेबर में काम करते थे। अभी यह 2 लाख की गाड़ी पे आप चना और नाश्ते का सामान बेच रहे हैं। जी सर। ये बाइक किन की है? बाइक मेरी है सर, दोनों की। दोनों आदमी ये कौन है? ये मेरा भतीजा है। ये भतीजा है और चाचा, चाचा भतीजा की जोड़ी कमाल कर रही है, महंगी बाइक पर चना और मुरी बेच रही है। तो यह बताएं कि यह वायरल होने का कोई तरीका है? नो सर। या सच में आप बाइक से यह बेचना चाहते हैं? सर सच में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। कब से बेच रहे हैं? यही करीब सर 15 दिन से बेच रहे हैं। कितना कमा लेते हैं रोज का? रोज का सर ये 700-800 कमा लेते हैं। 700-800 कमा रहे हैं, 2 लाख की पूंजी लगा के खड़ी करके आप कमा रहे हैं, साथ में आप नाश्ते के लिए भी सामान लाते हैं, तो 700-800 में आप चाचा भतीजा का क्या हो जाता है? दिहाड़ी सर निकल जाते हैं, दिहाड़ी निकल जाते हैं। कितना देर यहाँ काम करते हैं? यहाँ पे सर 9 बजे आते हैं, उसके बाद 1 से 1.5 बजे तक रहते हैं, उसके बाद फिर चल जाते हैं लंच के लिए, उसके बाद आते हैं शाम को तो रहते हैं 2 घंटा फिर घर। क्या क्या बेचते हैं आप इसमें सर? मूंग फुला करके दिए हैं, चना फुला करके, नींबू है सर, चुकंदर है, प्याज है, कच्चा मिर्च है, टमाटर सब मिला करके देते हैं। तो जो मान के चलिए जो नाश्ते वाले होते हैं वह तो चूड़ा मुढ़ी घुंघनी वगैरह जो बिहार में चलता है, लिट्टी चोखा चलता है, वह सब भी बेचते हैं, तो आप इतना ही सामान क्यों बेचते हैं? सर इतना ही बेचते हैं ताकि सर अच्छा लगता है देखने में भी, और सर ग्राहक इसको मतलब खोजते हैं बड़ा बड़ा लोग सब, और बोलते हैं कि हम लोग के यही अच्छा है और डेली रिसीट के लिए आप यही खाएंगे। आप यहीं पर लगाते हैं? जी सर यहीं लगाते हैं। अच्छा, ये सोचा कैसे आपने कि यही बेचना है, बाइक पर ही बेचना है, क्या दिमाग में चल रहा था? सर ये बड़ा सा क्लिनिक पर गए, डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर पेशेंट सबको यही सब बता रहे थे खाने के लिए। तो इसको लेके गए थे डॉक्टर? डॉक्टर के ले गए थे, अपना दादाजी को लेके गए थे ना, तो देखे थे ना उसको, मतलब डायबिटीज थे तो हार्ट का पेशेंट थे, तो बोले थे ये हरा हरा चीज़ खाइए, चना खाइए, मूँग खाए, या फिर हरा हरा चीज़ कोई फल खाइए, खीरा खाइए, चुकंदर खाइए। तब दिमाग लगे सोचिए ये सब मिला करके बेचेंगे ताकि पब्लिक का भी सेहत के लिए अच्छा रहे, हेल्थ के लिए अच्छा रहे, इसीलिए सर बेच रहे हैं। हेल्थ के लिए अच्छा रहे इसीलिए आप बाइक पर बेच रहे हैं, तो बाइक का क्या काम है इसमें? यह काम तो आप साइकिल से भी कर सकते थे? कर सकते थे सर, लेकिन बाइक थी, सोचे बाइक ही पर लेके चौक चौराहे यहाँ पे भी बेचते हैं और दूसरा चौक चौराहे भी चले जाते हैं बेचने के। यानी आप जैसे चलता फिरता एटीएम होता है, तो कह लीजिए चलता फिरता आपका नाश्ते का दुकान है। जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर कुमार है। शंकर जी, यह बताएं कि जब चाचा को बोला या आपने बोला है शंकर? दोनों आदमी सर मिले। दोनों आदमी जी। तो अपने आपके चाचा हैं? जी अपने चाचा हैं। जी सर। तो जब यह दिमाग में आया तो घर वालों ने कुछ कहा? नहीं सर, कोई कुछ नहीं कहा, बोला जो काम करना अच्छा लग रहा वही करो। घर वालों ने सर सपोर्ट किया? सपोर्ट किया। हाँ सपोर्ट किया कि ठीक है कुछ कर रहे हो। इतने में एक चाचा आ गए हमारे साथ में, और चाचा क्या खाने आए हैं? हम तो ये चना और मूंग फुला हुआ यही खाते हैं। यहीं पे ले जाते हैं, यही खाते हैं? नहीं नहीं, हम घर में भी खाते हैं और हम बाजार का कोई दूसरा आलतू फालतू चीज़ खाते नहीं, खास करके यही सब खाते हैं।
तो बाजार में तो बहुत कम जगह ऐसा मिलता है। हाँ, ये सामान बहुत कम जगह मिलता है। संजोग से देखने को मिला भी तो मन में हुआ कि थोड़ा हम ये खाएं। अरे चाचा, ये सब सामान आप देखते होंगे या तो ठेला पे बिकता है या तो साइकिल पे बिकता है। ये जो बाइक खड़ी है, अच्छा हाँ, ये इन्हीं की बाइक है और इसी अच्छा। बाइक को बेच रहे। तो इसमें आपका क्या पूछना है? पूछना ये कि 2 लाख की बाइक पर ये सामान बेच रहे, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ये युग का भी प्रभाव है। हाँ, हमारे युवा वर्ग जो हैं मनचला भी हैं, हाँ, और जरूरत भी है। आजकल तेज सवारी की भी जरूरत है, बगैर तेज सवारी का कोई काम हो भी नहीं पाएगा। 5 मिनट यहाँ काम करेगा, गाड़ी पर फिर बैठेगा, कहीं चल देगा, फिर वहाँ भीड़ है, वहाँ देखेगा, वहाँ अपना कमा लिया, यही कारोबार है। हाँ, थोड़ा युवक लोगों का भी मनोरंजन भी है। गाड़ी से थोड़ा ये भी होता है, हाँ, कम समय में ज़्यादा। तो कई लोग यह भी कर रहे हैं कि वायरल होने के लिए खोल दिया, फिर 2 महीने के बाद बंद कर देंगे। ना ना, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ना, गाड़ी से बर्फ बेचता है, आइसक्रीम बेचता है, हैं, गाड़ी पर घूम घूम कर कपड़ा बेचता है। बेरोजगार लोग क्या करेंगे? कहीं आप रोड पर घूम घूम करके अपना जो है बेरोजगारी दूर कर रहा है। हाँ, ऐसा कोई हम कोई सरकार में भी ऐसा नहीं देख रहे हैं, हाँ, जो नौकरी का इंतजाम हो, उसके बेरोजगारी को हल करने का इंतजाम हो, ये कोई नहीं हो रहा है। केवल खाली कहने के लिए हो रहा है कि हम बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं, हम इतना हजार हजार लाख को नौकरी करने जा रहे हैं। कोई नहीं है। सरकार पे भी आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से युवा ये कदम उठा रहे। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारा ये भी कहना है। आप मोदी जी से प्रभावित तो नहीं है कि मोदी जी ने कहा था कि पकोड़ा बेचना भी रोजगार है? नहीं नहीं, वो सर वो सब बात नहीं, वो सब बात नहीं। देखिए, कोई भी सरकार हो, खास करके हम युवा वर्गों के लिए हम चाहते हैं कि कुछ हो। हाँ, देखिए चाचा भी अपने आप को युवा ही समझते हैं, ये बड़ी बात है। युवा हम, हाँ, युवा जब तक उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन मन तो युवा है। हाँ, मन युवा है, और खास करके युवाओं के प्रति हमारा स्नेह सहानुभूति है कि हमारे सारे युवा जो हैं, युवा साथी, वो कमावें, हाँ, और कमा खटा करके अपना दुनियादारी करें, अच्छा रहेगा। तो यह बताए कि यह जो बाइक है कितने में लिया था? सर 2 लाख में, सर 1,85,000 का और सब कुछ मिला के कागज पत्र में 2 लाख। 2 लाख रुपये, ये जो दिए कितने का आप खा रहे हैं? 20 रुपया बोला, 20 रुपये का। 20 में ये सामान देते, कितना लागत आपको पड़ जाता है? सर सब मिला करके 400-500 में हो जाते हैं सर। 400-500 में सब हो जाते हैं। 400-500 में ये सामान हो जाता है, उससे बेनिफिट कितना हो जाता है? उससे बेनिफिट सर डेली का यही बोले 500-600 हो जाते हैं सर। 500-600 बेनिफिट होता है। पेट्रोल कितना का लगता है सफ़र करने? 150-150 का पेट्रोल लगता है। 150-150 का पेट्रोल, 500-600 का ये 800-900 आपकी कमाई हो जाती है। दोनों खुश हैं? जी सर, बिल्कुल खुश। आपकी शादी हो गई है? जी सर। बाल बच्चे हैं? एक लड़का है। लड़का है जी सर। तो क्या आप फ्यूचर क्या सोचा है कि इसी में बेचना है कि इसके बाद आपको थार लेनी है, थार पे बेचना है या किस पे? इससे सर बराबर सर यही बिजनेस करेंगे सर, लेकिन बराबर होते होते अस्थाई कर लेंगे। आगे इसी में पैसा होगा ना, आगे बढ़ेंगे इसी से। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ घूम घूम के बेचते हैं आप? अभी सर यही चौक सर आप बेचते हैं, वहाँ पटेल मैदान में तो अंदर कचहरी में बेचते हैं सर, और इधर शंकर चौकिया पे। घर से जब निकलते हैं चाचा भतीजा जी सर, तो क्या कैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे बेचते हैं? घर से निकलते हैं तो सर पहले सब्जी मंडी जाते हैं, सब्जी मंडी से ये सब खरीदते हैं, चुकंदर सब, प्याज सब, मिर्चा सब, टमाटर सब, ऐसे सब फुलाते हैं सुबह को, खरीद के रात में देते हैं फूलने के लिए, सुबह को बढ़िया अच्छा से धो करके उसके बाद लेके आते हैं और बेचते हैं आप। तो इसमें देख रहा हूँ खाली हेल्दी चीज़ है, कुछ चटपटा नहीं है, जैसे गोलगप्पे आजकल बहुत ज़्यादा बिकते हैं, मोमोज बिकते हैं, बर्गर बिकते हैं, जो बच्चे को लुभावने लगते हैं सर। वो तो बहुत जगह बिकते हैं सर, पर ये सर कहीं कहीं मिलता है देखने के लिए। कहीं कहीं जी सर, ये कहीं मिला है जी सर, तो इसीलिए आप यह बेच रहे हैं जी सर। बिल्कुल। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही यूनिक खबर आप अगर देखना चाह रहे हैं तो हमारे पेज को, जोहान सलार पेज को आप लाइक फॉलो ज़रूर करें।